सो हेलो गाइस, क्या हाल? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो घर से मैं निकल चुका हूँ, आधे रास्ते पर पहुँच चुका हूँ और ये वीडियो भी कैंपिंग वाली होने वाली है। और ऊपर देख सकते हो आप, अगर दिख रहा होगा तो कल बर्फ़ पड़ी थी ये इन पहाड़ों पे, लेकिन वो एक ही दिन पड़ी थी, एक रात में ही, और आज दिन में धूप आई थी तो गल गई फिर से। अभी हल्की हल्की है जहाँ पे गधेरा ना वहाँ पे। लेकिन अगर आज बारिश होती है, ठीक है, तो रात में माइनस में अपना चलाता है टेम्परेचर, तो फिर बर्फ़ पड़ेगी फिर भाई साहब। अभी 2 दिन 3 दिन का अलर्ट दे रखा है कि बारिश बहुत दबा के होगी, फिर बर्फ़ भी पड़ेगी, फिर बर्फ़ वाले सीन शॉर्ट होंगे। तो अभी आगे का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज, अभी लोकेशन वाली जगह पे भी नहीं पहुंचा हूँ मैं और बूंदाबांदी शुरू होने लग गई है। तो नीचे साइड ना ताऊ मिले मेरे को, वो बकरी चला रहे थे। सर एक वो हो जाता है कि अभी साथ में कोई है तो ऐसे डर डर वर नहीं लगती, वैसे तो लगती नहीं है, बट एक साथ हो जाता ना कि हाँ अभी साथ में भी कोई है। लेकिन काफ़ी दूर है वो नीचे साइड और मैं ऊपर हूँ, तो उनके लिए भी साथ है कि बाघ वाघ ना आए और मेरे लिए भी साथ है नहीं, उनकी बकरियों के लिए भी। तो चलो, तो गाइज आप मेरे पीछे ना आप पाइन ट्री देख सकते हो भाई साहब। इस पेड़ का भी ना बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। मीन्स आपको प्यास लग रही है ना, आपके पास अगर पानी नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो आप ना इनकी छाल से भी पानी का उपयोग कर सकते हो। मतलब उतना नहीं, लेकिन हाँ जो पानी की कमी होगी ना वो हल्की फल्की पूरी हो जाएगी। काफ़ी चीज़ है जो जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और जो उनसे चीज़ हमें पता नहीं है ना इनके बारे में, ऐसी ऐसी चीज़ें। इनमें आग भी बहुत जल्दी लगती है, बड़ी जल्दी। तो यार बारिश लग गई है, पहले कैंपिंग वाली लोकेशन पे चलते हैं। तो इनके ऊपर ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइज पीछे से बहुत सारी बारिश होने लग गई उस साइड से, देख रहे हो भाई, उड़ाते उड़ाते आ रही है बारिश। तो जल्दी जल्दी चलना है यार, कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में कैंप लगाते लगाते बारिश हो जाए। तो गाइज ये कुछ लोकेशन है और बारिश बहुत तगड़ी आ गई है। तो सबसे पहले कैंप सेटअप करते हैं, पिच कर देता अपना कैंप, बारिश से तो बचे रहेंगे यार। तो गाइस अपना कैंप पिच हो गया लगभग लगभग भाई, थोड़ा जल्दीबाजी भी दिखाई लेकिन बारिश नहीं हो रही अभी उतनी, हल्की बूंदाबांदी लग रही है, बारी बारी। लेकिन यार पहले कैंप लग जाता ना तो सुकून आ जाता, एक कैंप और आग, ये बड़ा भयंकर सिस्टम है कैंप का। आग है तो सब कुछ है, देखो हवा कितनी भयंकर चल रही है। तो भाई साहब अपना कैंप रेडी हो चुका है मास ढंग से। तो कुछ ऐसा सेटअप हो रखा है भाई साहब, पता है उसके बाद अगली बच्ची। तो गाइस पता है क्या हुआ, ऊपर चढ़ते चढ़ते गर्मी लग गई थी और बारिश हो गई, हवा चल रही है, अब ठंड लग रही है। अलग ही नियम कानून है भाई यहाँ का भी। भाई साहब सबसे पहले जो करना था वो कर दिया, कैंप लग गया है,
तो अब मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं, अब अपना आराम से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो गाइज काफ़ी टाइम हो चुका है, भूख भी लगने लग गई यार, बाहर बूंदाबांदी हो रही है तो सारी लकड़ी तो गीली होगी, इसलिए अंदर ही बनाना पड़ेगा ब्यूटेन पे। कैमरा गिर गया रे वहाँ। तो गाइस बाहर बारिश और अंदर मैगी। ये सीन भी बहुत मस्त है यार, बाहर बारिश हो रही है और अंदर मैगी चल रही है। वाह, बारिश में वैसे मैगी का स्वाद ना डबल हो जाता है। नहीं यार पता नहीं आज ना कैमरा अजीब सा हो रहा है यार, साथ ना इसके ना ऊपर के ना स्टिक ना टूट रखी है, तो इस वजह से ना कैमरा एक तरफ को झुक रखा है और वाटरप्रूफ होने के भी कारण अंदर पानी आ रहा है, लगा नहीं ना ढंग से, स्टिक इसकी टूट रखी है और एक साइड से ऐसा झुक सा रखा है, तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। पानी अंदर आ रहा है हल्की, मतलब बूंद बूंद में पानी अंदर आ रहा है, एक जगह में इकट्ठे होकर, एक तो उस साइड से ठीक है ना सिलाई हो रही है तो उधर से पानी बाहर जा रहा है, बट अगर भारी बारिश हुई तो गलत फंस जाऊँगा मैं बहुत तगड़ा। तो खैर मैगी खाओ। तो गाइस खाना खा के अब कुछ शॉट ड्रोन के देखो आप। तो गाइस बारिश रुक चुकी है अभी। तो जी
सामान समेट के अब निकलते हैं वापस, ठीक है, क्योंकि मौसम बहुत भयंकर ख़राब होने वाला है यार। ऊपर देखो ये, देखो एकदम काले बादल, रातों कुछ भी हो सकता है, बर्फ़ भी गिर सकती है, आई डोंट नो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।